दोस्तों YouTube पर कितने ही लोग व्यूज पाने के लिए आज भी अश्वत्थामा को जिंदा देखे जाने की खबर चलाते हैं, जैसे कि एक आदिमानव जंगल में देखा गया, अश्वत्थामा हर रात आता है इस फलाने मंदिर में इत्यादि। दोस्तों यह सब झूठ है, अश्वत्थामा अब इस पृथ्वी पर नहीं विचर रहा है। चलिए जानते हैं, इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के सौप्तिक पर्व में मिलता है। दोस्तों जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब नारद मुनि एवं महर्षि वेद व्यास के कहने पर अर्जुन ने लोक कल्याण के लिए अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया था। तब महर्षि वेद व्यास ने अश्वत्थामा से कहा, राजर्षि युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते, तुम्हारे सिर में जो मणि है वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण दान दे देंगे। दोस्तों तब अश्वत्थामा ने महर्षि वेद व्यास की आज्ञा स्वीकार करते हुए अपनी मस्तक पर लगी हुई वह दिव्य मणि पांडवों को दे दी थी और फिर व्यास जी से कहा था, मणि तो मैंने दे दी परंतु मेरा छोड़ा हुआ यह दिव्य अस्त्र व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता, इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूँ। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन ना करता, परंतु क्या करूं, इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है। व्यास जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही करो, चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो, इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ। तब अश्वत्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, कुछ दिन हुए जब विराट पुत्री उत्तरा नगर में आई थी, तब उससे एक तपस्वी ब्राह्मण ने यह कहा था कि कौरवों का परिचय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा। उस ब्राह्मण का यह वचन सत्य होगा, वह परीक्षित ही इन पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर कहा, केशव तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बात कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती, मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा, मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा। दोस्तों तब श्री भगवान ने कहा, इस दिव्य अस्त्र का वार तो अवश्य अमोघ ही होगा, किंतु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न होने पर भी फिर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा। हाँ तुम्हें अवश्य ही सभी समझदार पापी और कायर समझते हैं, क्योंकि तुम बार बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो, इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी, तुम्हारे शरीर में से पीब और लोहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे। परीक्षित तो दीर्घायु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य कृप से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह शास्त्र धर्म का अनुसरण करते हुए 60 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा। दुरात्मन देखना, यह परीक्षित नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरुवंश के सिंहासन पर बैठेगा, वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला से जल अवश्य जाएगा, परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा। नराधम उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। दोस्तों तब व्यास जी ने कहा, द्रोण पुत्र तुमने मेरी भी बात ना मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है, इसलिए देवकी नंदन श्री कृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी, क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर शास्त्र धर्म स्वीकार कर रखा है। इस पर अश्वत्थामा ने कहा, ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की बात ठीक हो, अब मैं मनुष्यों में केवल आपके ही साथ रहूंगा। दोस्तों महाभारत युद्ध आज से 5000 वर्ष पहले घटित हुआ था और अश्वत्थामा को सिर्फ 3000 वर्ष तक ही इस पृथ्वी पर भटकने का शाप मिला था। उसके बाद अश्वत्थामा अपने उस शरीर का त्याग करके परलोक को चला गया था। अगर मान भी लेते हैं कि किसी ने उसे देखा भी था तो संभव है 2 या 2500 वर्ष पहले ही देखा होगा, जिसे लोग आज का किस्सा बना बनाकर बेच रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत
नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार के वीडियो से बचें, केवल मनोरंजन के लिए सनातन समाज का उपहास ना बनाएं।